तो हमारी कीशा जा रही है कहाँ पे? नानी सा। मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं रेडी होके कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ मेरे ससुराल। और जिसको पता नहीं है मेरा ससुराल कहाँ है, तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरा ससुराल है चूरू डिस्ट्रिक्ट में जोड़ी। तो अभी 11:30 बज चुके हैं और मुझे जाना है बस में। बस में क्यों जाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो बस में इसलिए जाना है, मम्मी पापा एक गाड़ी अलग लेके गए थे और ऋषभ के पापा 5 दिन बाद में गए थे, तो वो भी गाड़ी अलग लेके गए थे। और मैं आज जा रही हूँ और कल का होम है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं गाड़ी लेके जाऊंगी तो वहाँ पे 3 गाड़ी हो जाएगी। ऑलरेडी 2 गाड़ी है, तो या तो मैं मम्मी पापा के साथ आ जाऊंगी या फिर ऋषभ के पापा के साथ आ जाऊंगी। और कल का है होम और मम्मी का और ऋषभ के पापा का, कल रात से फोन आया जा रहा है कि तू भी आ जा। पर मैं ना मतलब कंटिन्यू मना करती जा रही हूँ मम्मी को, नहीं मम्मी मैं नहीं आ सकती बच्चों के साथ बस में, तो आप है ना आप ही रहो। तो फिर मम्मी ऐसे डांट भी लगाने लग गई, जैसे सासू ने लगाती है ना, आप भी लगाती होगी अगर आप शादीशुदा हो तो, कि तेरे ससुर गाँव में काम होता है तो तू भाग के चली जाती है, और ना अगर यहाँ पे शादी होती तू तो आराम से जल्दी जल्दी भाग के आ जाती, बस में क्या तू तो टेम्पो में पड़ के आ जाती, ऐसे करके मम्मी काफी सारा मुझको सुनाया था मम्मी ने। फिर भी मम्मी को क्या पता मैं आ रही हूँ, उनको ये पता है नहीं, उनको सरप्राइज मिलने वाला है। ऋषभ के पापा को भी सरप्राइज मिलने वाला है, उनको भी मैंने नहीं बताया, बस पापा को मैंने बताया है। पापा को इसलिए बताया क्योंकि मुझे पता नहीं है कि चूरू में जाने के बाद में मुझे जोड़ी की बस कहाँ मिलेगी। तो मैंने पापा को फोन करके बोला कि पापा आप ना मुझे बता देना कहाँ पे कैसे कैसे उतरना है। तो पापा को पता है, पापा ऋषभ के पापा और मम्मी को बिल्कुल नहीं बताने वाले। तो आज मम्मी और ऋषभ के पापा को सरप्राइज मिलने वाला है और हम बहुत मस्ती करेंगे 2-3 जोड़ी। और ये हमारी जा रही है चिराना अपने मासी के साथ, इसको ना नानीसा के पास भेज रही हूँ मैं। और ऋषभ और मैं जा रहे हैं जोड़ी, क्योंकि दादी का फेवरेट है पोता, तो मैं उसको वहां पे लेके जा रही हूँ। और नानी का फेवरेट है मेरी कीशा, तो ये नानी के पास जाएगी। तो व्लॉग में कंटिन्यू रहना, देखते हैं बच्चे मेरे साथ क्या क्या करने वाले हैं, है ना। तो अभी मैंने कैब बुक कर ली है, बस वो 5-10 मिनट के अंदर आने वाली है। फिर उसके बाद में वो चोमू पुलिया छोड़ेगी, चोमू पुलिया से मुझे चूरू की बस लेनी है, फिर वहां से मुझे जोड़ी की बस लेनी है। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। चलो कीशा चलते हैं। ऋषभ आगे बैठ जाओ आप। हेलो कीशा, चले बंद कर दो। तो सामने आप देख सकते हैं फाइनली हमें बस मिल चुकी है। पहले हम सीकर जाएंगे और सीकर से फिर चूरू जाएंगे। व्लॉग में कंटिन्यू रहना। हाय कीशा, कीशा कर रही है मस्ती, कीशा को पता भी नहीं है कीशा जा कर रही है। कीशा आप अपने नानी सा के पास जा रहे हो? जा रहे हो माँ के पास। और कीशा कहाँ जा रही है? तो हम बहुत मस्ती करेंगे ऋषभ वहाँ पे जोड़ी में जाके। ऋषभ अभी तो अपन को है ना सिक्कर रुकना है, फिर पूजा मासी और कीशा को है ना चिराना वाली बस में बिठाना है, फिर उसके बाद में अपन सिक्कर से बस लेंगे चूरू की, चूरू के बाद में अपन चलेंगे जोड़ी। ओके ओके ऋषभ, जोड़ी क्या है बताओ आपको अपना गाँव। चिनाना जाने कहाँ पे जा रहे हो आप? नानीसा चिनाना, नानीसा के पास चिनाना। ओके तो फाइनली हमारी कीशा सो चुकी है, अब मैं इजीली कीशा को दूसरी बस में शिफ्ट कर दूंगी, इसको पता भी नहीं चलेगा, नहीं तो ये रोती अगर जगी हुई होती तो। बस अब थोड़ी सी देर मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर सिकर आने वाला है, सिकर आने के बाद में ये वाली बस डिपो में जाएगी और फिर डिपो से है ना कीशा और पूजा की है ना बस चेंज कर देंगे हम। तो यहाँ पे ऋषभ भी सो गया था और मैं भी सो गई थी, कीशा भी सो गई थी, और फिर उसके बाद में पूजा ने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो कैप्चर कर लिया जाए, तो यहाँ पे मैंने सोचा ये वाली क्लिप भी डाल देती हूँ। ये देख सकते हो आप कीशा कैसे सो रही है, मतलब एकदम सीधी हो गई थी बैक साइड में। माजा लेके आ रही हूँ, तब अब चुप हुई है। मैंने पूजा को फ़ोन करके भी पूछा है कि रो रही है या फिर चुप है, तो ऐसे बोला पूजा ने कि अब चुप हो गई, कुछ भी नहीं कर रही वो। आई होप
वो चुप हो जाए और दो दिन आराम से पूजा के पास मम्मी के पास रह जाए। आपको क्या लगता है ऋषभ रह जाएगी वो वैसे ना? पॉपकॉर्न खाना आपको? नहीं खाना, ठीक है। तो अब मैं और ऋषभ थोड़ी देर सोएंगे, उसके बाद में आ जाएगा चूरू, चूरू से हम जाएंगे जोड़ी। ऋषभ ने लिए दही बड़े, है ना ऋषभ? और कहाँ, फतेहपुर आ चुका है ना ऋषभ? अब एक डेढ़ घंटे में ऋषभ पहुंचने वाला है। ऋषभ वैसे नाराज हो रहा है, इसको आइसक्रीम चाहिए थी बट मैंने आइसक्रीम दिलाई नहीं। नहीं, क्या चाहिए था? बस चल गई, अब झटके लग रहे हैं, पानी कैसे पीऊंगा। अच्छा, तो बस चल गई, अब झटके लग रहे हैं। ऋषभ ऐसे बोला, मैं पानी कैसे पीऊँ? तो थोड़ी देर में पी लेना ऋषभ, कोई बात नहीं, बंद कर दो। मैं और ऋषभ तो बोर ही हो गए। ऋषभ है ना, ऋषभ तो कुरकुरे खा के भी थक गया और मैं दही बड़े खा के थक गई। अभी 5-10 मिनट के अंदर अंदर चूरू आने वाला है, है ना ऋषभ? अभी मैं और ऋषभ पहुंच चुके हैं चूरू और यहाँ पे वेट कर रहे हैं कलेक्टर सर्किल अपने जोड़ी की बस का। तो ऋषभ मेरा वीडियो बना रहा है और मेरा घूंघट भी लग चुका है, क्योंकि आप सबको पता ही है मेरा ससुराल आ चुका है। बस अब 30 किलोमीटर की दूरी पे है। अरे ऋषभ चूरू से ऐसे सामान ले रहा है कि जोड़ी में इसको मिलने वाला ही नहीं है ना ऋषभ, ऐसे लग रहा है ऋषभ को हमारे। तो अभी हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का, बस आ जाए, फिर उसके बाद में सीधा पहुंच जाएंगे ऋषभ के दादी से आके पास, ऋषभ के पापा के पास, और उनको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, उनका रिएक्शन देखने वाले हम दोनों। पता ही नहीं, घर पे रह गए शायद। ऋषभ आ जाओ, एक साइड आओ दोनों। तो ऋषभ अपन को कोई लेने ही नहीं आया यार। हाँ। अपन ने तो सोचा था कोई लेने आएगा। हाँ। दादू और लंबा करेंगे सरप्राइज। दादू और लंबा सरप्राइज करेंगे ना। तो फाइनली हम जोड़ी पहुंच चुके हैं और सामने जो मंदिर देख रहे हो आप, ये हमारे हनुमान जी भगवान का है। तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अंदर भी जाके आऊँगी, ऋषभ के पापा को लेके आऊँगी कल। मेरा भी नाम लिख लियो।
देखो मैं मना दिखा सब दोनों बेटा वो अगर जे पूरे टाइम मर सके दो घंटा बैठे जब तो 20 साहब छो आप हो बे 5 या 11 आउती वाला हो तो आप तो बस पे थोड़ी देर आपको तो भाई साहब भी बैठ रहे हैं ना कौन बैठे भाई साहब 2-2.5 घंटा कौन बैठ पाओगा ए बैठ जी ए बैठ जी दोनों और ए आपके घर पुणा होती होगी इधर चलो मारे 1, 2, 3 और 1, 4 तो पक्का वाला हो गया मैं ठीक है बेटो थैंक यू कल अपन 2 बजे अभी तक खुले 10-10 के 20-20 के 50-50 के खुले लेकर के हाथ में बैठो ओके ये तो ठीक है नेटो जरा नहीं 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 है खुला खुला तो ढकना ही है खुला कृष्ण का है सारा खुला देखो एक और खुला दे पहले लेर बैठ जाओ भीड़ बड़ा कम खुला मत मांगो ना ना कृष्ण रुकिए कोई बड़ा मैं आया बैठे हां बेरो होगे तो हम तो धन नहीं झूठा नहीं झूठा नहीं कसम खाओ मेरी हरी कसम मन ध्यान को नहीं लेकिन मन लाग गयो एन टाइम पर के लागे अगर सगोर इया को बाबा ए बोले बाबा को सगा सारे सटू वाले फिर आगे कोई सड्डू बंदो भाई है ही कौन सो मतलब कोई भी गाड़ी कोई बस आवे फिर मैं आईडी लगायो तो आगे रुकियो को नहीं चल पड़ो आ क्यों होई पुराना कर हां चीज मतलब कर तो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे गढ़ में भागवत गीता स्थापित की गई है और सभी भगवान की मूर्तियाँ भी लगी हुई आप देख सकते हैं और ये पूरा पांडाल है तो खाओ वैसा भी तो जानते हो आगे तो अभी हम खाना जीमने के लिए आ गए गढ़ में साथ में मेरे भाभी सभी जीम रहे हैं अच्छा और क्या कर रहे हैं लगाऊं कि मैं भी लगाऊं किसी की इच्छा है तो कोई की इच्छा है तो ना लगा दे तो हाथ लगा दे फिर तुम को किसी की इच्छा है हां ब्रह्म लेना है तो लगाओ लाओ मैं तो खुशी पर बैठी हूं बता मैं बच्चा मैं तो ये तो बोल रहा हूं के ना करो अब लगा ले अंदर बिरने लगा ले कुर्सी में लगा दे हां अरे ना लगा ले सी अब कुर्सी भी नहीं है क्या अब आने की देखो धर्म बोलो के अब आने की आया है देख ले बंदियो बंदियो कदी सी आ एक सासू बैठवाई यार ये हमारी बड़े ससु है चोखा बहुत है बस बात ही है ये थोड़ी सी कल्डी सी लगे बहुत ही डर लगे मेरे मेरी बाबू का डर लगता है मेरी मम्मी का डर लगता है अपने सबसे ज्यादा मेहनत मैं कर रही हूँ ले इसमें वीडियो बना यूट्यूब पे डालेंगे क्या सॉरी सॉरी लाइट भी कर दी लाओ चेहरा दिखाओ
बाबू बड़ी मम्मी ले सब करो हाय 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 देखो हमारा मम्मी मम्मी हेलो गाइस हेलो हाय मम्मी को तो है बस सुनता बहुत हंसा है वो देखो मेल सिस्टम तो सगड़ो कर दियो मैं ठीक है खड़ी जो दंदनी जोड़ और करो मेरे सब खाना सब कौन बंद जॉइंट में डालो जॉइंट में माल थोड़ा है माल घर को और भी ले और कठे वेले तो गाय करियो कोनी तो यो जो तो करियो मतलब ये के गाय करियो ही कोनी इतरण को नहीं मिलता है थोड़ी और करा लेंगे तो बोलो हां अब कोई मिला को मिल जाओ रे जो पानी से जो पानी गिर और अकी भी में हां लो इसे और फेरनो है इस बड़ी अकी ने और इंटा दे सारी पड़ी इंटा तो देखो इन में लोग को डायमंड की छोड़ दी ले और के मां ओपन ने मत के अंदर सारे लाओ ना ले 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 ऐसा ना मिल गयो अब ये जो जोड़ कती जल्दी भरूंगा मैं देख जो मम्मी तो आज का व्लॉग मैं यही स्टॉप करूंगी। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग होगा भागवत गीता का।